रस्ते तेरे तेरी वादियां रंगीन है जमीनों आसमान ए वादी शंदूर 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 शैली चित्रार मधुर। जी तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं पहुंचा हूं शंदूर वैली, शंदूर टॉप भी कहते हैं इसको। यहाँ अभी पोलो फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है। टूरिज्म के लिए यहाँ इंतज़ाम तो ऐसे कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेन सर्विस के लिए अच्छा खासा यहाँ पे इंतज़ाम है। इंतज़ाम भी वही कुदरती ही है, लोग तो अपने अपने टेंट ला के यहाँ पे वो अपनी कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। और खूबसूरत बहुत इलाका है, बहुत बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहाँ की हिस्ट्री भी है, प्लस यहाँ जो फेस्टिवल होता है पोलो का वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो बहुत सारे ममालिक से भी लोग यहाँ इस फेस्टिवल के को अटेंड करने के लिए आते हैं, साथ ही साथ लोकल जो हैं वो भी यहाँ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और उस फेस्टिवल को एंजॉय करने की वो भरपूर कोशिश भी करते हैं। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पानी जो है उसकी फरावानी तो है, लेकिन इसको अगर प्रॉपर वे में किया जाए तो काफ़ी सारी जो जगह जो गैर आबाद है वो आबाद भी हो सकती है, प्लस वहाँ पे ग्रीनरी भी आ सकती है। ग्रीनरी अभी भी काफ़ी अच्छी खासी है पूरे शंदूर में, लोग यहाँ पे आके रुकते हैं। एक छोटा सा होटल है लोगों की सहूलत के लिए, तो यहाँ आके लोग चाय वगैरह उस पर इंजॉय करते हैं। सड़कें जो हैं वो थोड़ी खस्ता हाल हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। अगर गवर्नमेंट ये सड़कों का मामला भी थोड़ा सा हल कर ले तो मेरे ख्याल में यहाँ टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप मिलेगा। आगे चलते हैं, बाकी चीज़ें आपको बता दें। शंदूर 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 शैली छतार मधुर मधुर मधुर। हमारे साथ फैजुल्ला साहब भी है, तो इनसे जानते हैं इनका ये अभी जो यहाँ का टूर है वो कैसा रहा। जी फैजुल्ला साहब, टूर तो माशाल्लाह काफी अच्छा रहा है। जो टोटल मसला आ रहा है सिर्फ वो सिर्फ रोडों का आ रहा है, बाकी जगह तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इंतजाम हुकूमत की तरफ से यहाँ टेंटों शेंटों का जो है सारा कुछ क्लियर है, और जो सिर्फ मसला आ रहा है सिर्फ और सिर्फ जो मसला आ रहा है रिहाइश का कोई इशू नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो हमें बड़ा मसला दरपेश होगा आगे, मतलब टूरिस्ट जब रश ज़्यादा होगा तो हमने जैसे देखा पीछे जो पानी बह रहा है हर हर नाले में, गाड़ियाँ तो आपने देख ली हर हर नाले में फंसे होते हैं, उस पर अगर थोड़ा सा हुकूमत अगर गौर दे दे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये टूरिज्म को बहुत अच्छा फ़र्क मिल सकता है इधर। अच्छा, ये हाँ टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं वो कोई शिकायत वगैरह करते हैं किसी चीज़ के हवाले से? सर शिकायत सिर्फ यही होता है रास्ते का, इधर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर जो लोग आ जाते हैं उनके पास ये जीप वगैरह तो होते नहीं है, लोग नीचे से अपने साथ वो गाड़ियाँ लेके आते हैं जिनको पहुँचने में काफ़ी मुश्किल पेश आते हैं। अच्छा, यानी अगर रोड्स का इशू क्लियर हो जाए तो फिर यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है सर। चले थैंक यू, थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर। नजारे ऐसे जैसे जन्नतों का नूर, महकी सी है हवाएं छाया है एक सूर। तेरे नजारे ऐसे जैसे जन्नतों का नूर, महकी सी है हवाएं छाया है एक सूर। सदा रहे सलामत दिन
हुआ।